हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 के इंजन के लोकली मैन्युफैक्चरिंग होने के फायदे और TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यू इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो ये बात अब ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है कि तेजस MK2 एमका और TDBF में इनिशियली जाने वाला इंजन F414IN6 इंजन होगा, जिसे भारत में ही TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इस TOT में एक कैच है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको लेकर न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है। योंगजी किम, जो कि GE एरोस्पेस मिलिट्री सिस्टम के इंडो पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो डाउट चल रही थी उसे क्लियर करते हुए कहा है कि भारत में इस इंजन के पार्ट्स का 100% असेंबली ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इन पार्ट्स के प्रोडक्शन वाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी की जाएगी। पहले ऐसी रिपोर्ट थी कि GE की तरफ से जो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके तहत सिर्फ प्रोडक्शन वाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही की जाएगी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि इसके पार्ट्स की को प्रोडक्शन भी इंडिया में ही की जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि किम की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि जब तेजस MK2 रेडी हो जाएगा और उनमें इंजन इंटीग्रेशन की बारी आएगी तब GE की एक इंजीनियरिंग टीम इसमें हेल्प प्रोवाइड करेगी। साथ ही GE की ये टीम तेजस MK2 में इंजन इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंजन रन और टैक्सी ट्रायल से लेकर फर्स्ट फ्लाइट तक लगातार टच में रहेगी और जरूरत पड़ने पर असिस्ट भी करेगी। GE F414 इंजन के भारत में बनाने को लेकर जो एक बिल है वो अभी USA की सीनेट में है, और एक बार जैसे ही यहाँ से ये बिल पास हो जाती है वैसे ही GE भारत में HAL के साथ मिलकर भारत में ही इंजन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगी। इस लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भारत के कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर भी शामिल हैं, जिनमें टाटा एडवांस सिस्टम, महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर और गोदरेज एंड बियोस शामिल हैं। तो जैसे ही GE F414 इंजन भारत में बनने स्टार्ट होंगे, भारत वर्ल्ड की इकलौती कंट्री होगी जहां रशियन AL-31 इंजन, USA की GE F414 इंजन और आने वाले टाइम में साफरान या फिर रॉल्स रॉयस के साथ 110 किलो न्यूटन के इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी, और तब जाकर भारत का इंजन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बूस्ट कर पाएगा, क्योंकि भारत ने अपने करीब 2 दशक लगाए हैं इंडिजीनियस इंजन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, लेकिन कावेरी इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाई। अगर इसका हम सबसे बड़ा मेन रीजन देखें, सबसे बड़ा मेन रीजन हमें ये मिलेगा कि हमारे कंट्री में इंजन मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, जिसके कारण क्रिटिकल कंपोनेंट की सोर्सिंग में टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते चले गए। और अब जब वर्ल्ड के सभी की इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर भारत में लोकली सोर्स कंपोनेंट से इंजन को बनाएंगे तो भारत में उन सभी क्रिटिकल कंपोनेंट की सोर्सिंग आसान हो जाएगी, साथ ही एक मैच्योरिटी भी आनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट सक्सेसफुल रहा है, तो एक बार जब फिर से इस इंजन के आफ्टर बर्नर पर वर्क स्टार्ट किया जाएगा तब इसके कंपोनेंट की सोर्सिंग आसान हो जाएगी, साथ ही हमारे साइंटिस्ट को इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक अच्छा खासा अनुभव भी होगा, और फिर भारत अपने इंडिजीनियस इंजन प्रोग्राम और कोलैबोरेशन इंजन प्रोग्राम दोनों ही जगह सक्सेसफुल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 दशक में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिसे भारत ना बना रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।